अगर मुझे बोला जाए कि घर में आपकी सबसे फेवरेट प्लेस कौन सी है, तो ये मेरी फेवरेट प्लेस है जो किचन है, एंड ये वाली वॉल जहाँ पे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करे हैं, एंड मेरे घर में सबसे ज्यादा लाइटिंग जो है वो किचन में है, इसीलिए मेरा अटैचमेंट इस क्या बोले वॉल के साथ बहुत ही ज्यादा है। चलिए थोड़ा सा फैशन वैशन, थोड़ी सी स्टाइल वाइल मारी जाए। हाँ, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शेरी और आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसीलिए हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा या सबके लिए ये होता है घर होता है, छोटा है बड़ा है जैसा भी सबका होता है, बट जन्नत से कम नहीं होता है। तो ये है मेरा प्यारा सा घर और आज मैं अपना घर बताने के लिए आपको जा रही हूँ। पहले मैं इसी सोसाइटी में रहती थी, अब प्यारी छोटी सी सोसाइटी है और मेरा जो घर है वो 35 ईयर पुराना है, एंड हमने ओल्ड होम ही परचेज करा है 2 साल पहले 3 साल पहले। और ये मेरी सोसाइटी है वो सिटी के मिडल में है एंड उसके साथ रोड पे ही है, बट बहुत पीसफुल एरिया में है। मैं पहले इसी सोसाइटी में रहती थी एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी बड़ी जमीन मिली है, क्योंकि अब इतनी कंडीशन नहीं एंड जमीन के भाव बहुत ही हाई इधर है। Hey दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी का बेहतरीन पार्ट, मैं अपनी जिंदगी आपको बताने के लिए जा रही हूँ। मेरे घर का नाम साईं राम है, क्योंकि मैं साईं बाबा में बहुत ही बिलीव करती हूँ, उनकी वजह से ही आज मैं जो भी हूँ वो हूँ। एंड देखिए, ये साइड पे एक गार्डन है छोटा सा, एंड ये वाला गार्डन सिटिंग एरिया है दो, और ये छोटा सा गैराज है, और वो झूला मेरा बहुत पसंदीदा जगह है। वहाँ पे मैं बहुत घंटों घंटों तक बैठी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे बैठना। एंड ये सिटिंग एरिया है, कभी कभी जो गेस्ट आते हैं तो कभी कभी बाहर इधर बैठते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी घर में एंट्री लेते हैं। और साईं बाबा के साथ में अगर जो कोई दूसरे पर्सन है जो मुझे इंस्पायर करते हैं वो है बौद्ध, भगवान बौद्ध। मैं मुझे उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मैं मोस्टली उनकी भी बहुत सारी स्टेच्यूज मेरे घर में हैं। चलिए, हम लोगों ने लिविंग रूम में एंट्री ले ली है, एंड मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो होम है वो जो 35 साल पुराना है, एंड जब मैंने ये होम पहली बार देखा तो मैं पागल हो गई थी। मैंने सोचा कि 35 ईयर पहले जो भी जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन बनवाया है उनके माइंड में क्या रहा होगा, इतना बेहतरीन मकान, वो भी विदाउट, तब तो आर्किटेक्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ करते थे, तब भी उनके पॉइंट में ऐसा कैसे आ सकता है। हाँ, और इससे बेहतर मेरा होम हो ही नहीं सकता। और ये जो भी बालकनी सब कुछ है वो भी 35 ईयर पुराने हैं, तो मैंने वैसे ही रखे हैं एंड कुछ वुडन मैंने अंदर ऐड करे हैं, अदरवाइज मैंने कुछ भी मॉडर्न टच अंदर नहीं दिया है। मुझे पहले से एंटीक और मुझे राजा महाराजाओं वाला वो जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा पसंद आता है, तो मैंने यही स्टाइल रहने दी है। और ये है हमारा स्टडी रूम, इधर मैं एडिटिंग करती हूँ और बच्चे लोग स्टडी करते हैं, और हस्बैंड कभी कभार इधर उनको जो केस की प्रिपरेशन करनी होती है तो वो इधर करते हैं। छोटा सा प्यारा सा स्टडी रूम। और जो हमारा होम है उसमें चारों तरफ जगह मिली है हमको, तो ये देखिए, ये पीछे इतनी जमीन है और मैं इधर रात को मोस्टली चलती हूँ खाना खाके। देखो, ये वाली बालकनी ऊपर दिख रही वो मुझे बहुत पसंद थी, बट ये क्या था कि बाजू में फ्लैट इतने नजदीक है उनका बेडरूम, तो हम लोगों ने क्या करा कि पूरा कांच से उसको ढक दिया, एंड इतना स्टाइलिश लग रहा है कि बात मत पूछे, है ना, अच्छा लग रहा है ना। और चलिए, अब हम लोग जा रहे हैं बेडरूम में, और नीचे वाले हिस्से में लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम और किचन इतना है। ठीक है, एंड एक स्पेशल क्या चीज है कि बेडरूम है वो 2-3 स्टेप नीचे है, अंडरग्राउंड है, एंड इधर नेटवर्क बहुत इश्यू होता है, बट इतना पीस के कोई आवाज आपको नहीं आएगी, कोई शोर बकोर नहीं। और सबसे अच्छा मुझे ये अब ये जगह पे लगता है, आपने एसी चालू कर दिया और आप सो गए, ऐसा लगे ही नहीं, आप जन्नत में हो ऐसा लगता।
देखिए कितना बड़ा है बेडरूम, इधर एक सोफा है कि जब आपको मूवी देखनी हो फैमिली की तो हम देख पा रहे हैं। ये एक्चुअली ऐसा था कि एक सोफा बचा था तो हमने इधर एक सोफा अरेंज कर दिया क्योंकि बेडरूम बहुत ही बड़ा है। एंड ये जो बेड है वो शीशम का बेड है, 150 किलो वेट का है, वो रियल शीशम का है। हमने इधर पूरा वुडन फर्नीचर ही घर पे बैठ के करवाया है और यही ओरिजिनल होता है ना, वो तो आर्टिफिशियल नया लेते हैं वो तो आर्टिफिशियल होता है। कितना पीस सुकून है इधर। देखो मेरी फेवरेट जगह, ये घर की फेवरेट जगह, मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज दी थी, उन्होंने बहुत प्यार से ये बनवाया है। मेरा पहले बहुत छोटा घर था एंड कुछ नहीं था मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं था। एंड जब मैंने ये सब कुछ देखा तो मैं पागल हो गई थी कि ये मेरा घर है, मैं इधर रहने वाली हूँ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इधर ही रहना है बस। एंड मुझे बाहर जाना कभी अच्छा ही नहीं लगता, मुझे अपने घर के एक एक बॉल से प्यार है, एक हर एक क्या बोले कि हर एक जगह पे किस्से कहानियां इधर लिखी गई है। और पूरा मेरा किचन मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार एंड क्या बोले कि लता मंगेशकर जी एंड आशा भोसले जी, उनकी आवाज से गूंजता रहता है। और अब मैं सोचती हूँ कि थोड़े टाइम के बाद इस पोस्टर के बदले मैं पीछे अपना पोस्टर लगवा दूँ, क्योंकि तब मुझे थोड़ा सा शाई फील हो रहा था, बट मैं चाहती हूँ कि अब किचन में मेरा पोस्टर रहे। और देखिए ये है पीछे वाली जगह, ये मोस्टली ये वाला पार्ट मैं बहुत ही यूज करती हूँ। ये है थोड़ा सा स्टोरेज का सामान क्योंकि मेरे घर में स्टोर रूम नहीं है। ये है इधर वो बर्तन साफ करने के लिए चौकड़ी, और ये है जो मेरा वॉशिंग मशीन, और इधर ही मैं ज्यादातर काम करती होती हूँ। और चलिए अब हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर दो बेडरूम है एंड दो बालकनी है, और उसके साथ भी ये जो वुडन है ये सारा 35 साल पुराना हम लोगों ने वैसे का वैसा रहने दिया है। और ये जो ये स्टोरेज क्या बोले बॉक्स की तरह है, बड़े बड़े से स्टोरेज प्लेस है, इधर स्टोर रूम नहीं है तो ऐसे स्टोरेज दिए गए है, तो ऊपर भी एक बहुत बड़ा स्टोरेज ऐसा है, तो वहां पे हम लोग अपना ना ऐसा सामान रख देते। मैंने अपने घर में ज्यादा सजावट या ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं रखा है, मैंने नीट एंड क्लीन एंड बहुत कम सामान जो है वो डेकोरेशन के लिए रखी है, ऐसे ही रहने दिया। चलिए एक इधर है बेडरूम और एक इधर है, और ये बेडरूम मेरा बहुत ही फेवरेट बेडरूम है, बट मेरा ज्यादा आना नहीं होता है। और इसका बाथरूम है जो मेरा सबसे फेवरेट वाला बाथरूम है पूरे घर में, देखिए बहुत ही प्यारा है। देखो ये मेरी द फेवरेट प्लेस है, इधर मुझे चाय पीना बहुत ही बारिश में पसंद है। और ये पहले बालकनी थी, बट ये जो सामने है वो उनका बेडरूम सामने होने की वजह से हमने इसको मिरर से एक छोटा सा कमरा बना दिया है। अच्छा है ना, प्यारा सा है ना। और ये है सेरा जी, मुझे बैक पेन का बहुत 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 प्रॉब्लम है, तो मेरे हस्बैंड ने स्पेशल कोरिया से मेरे लिए ये मशीन मंगवाया था जो आपकी बॉडी को एक पत्थर से हीट, एक पत्थर की हीट से गर्म करते।
और ये देखिए, ये है बच्चों का बेडरूम। सोचा था कि बच्चे लोगों के लिए बेडरूम बना के रखे, बट मुझे लगता है कि बच्चे जब तक शादी नहीं होगी तब तक हमारे साथ ही 10-15-25 साल अभी रहने वाले हैं, तो ये बेडरूम कोई काम का है नहीं। खाली दिखाने के लिए इतना बड़ा घर है, तो खाली हम लोगों ने बेडरूम का नाम दिया है। और मुझे अगर कोई घर में जो कपबोर्ड पसंद है तो ये रूम का सबसे ज्यादा पसंद है। और ये जो रूम की खिड़की है वो रोड पे जाती है। और ये देखिए, ये जो बेडरूम है उसके बाजू में छोटी सी बालकनी है, एंड ये डायरेक्ट जो आगे के घर के हिस्से में रोड पे पड़ती है। एंड बहुत सारे मैंने इधर से पिक्चर्स बारिश में लेती हूँ, इधर बैठती हूँ, लाइव भी बहुत करी है इधर से, मुझे बहुत अच्छा लगता है इधर से देखना। और देखिए इधर से कितना अच्छा लगता है देखने में कि ये मेरा घर है, इतना बड़ा मेरा घर है। क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा ड्रीम में भी नहीं सोच सकती थी, माइनस से लाइव की शुरुआत करी थी एंड सोच ही नहीं सकती थी कि इतना बड़ा इतना प्यारा मेरा घर हो सकता है। अगर कोई मुझे पूछे कि ये घर की कीमत कितनी, तो मैंने जिंदगी में जो कमाई कमाने में जो अपनी जिंदगी गंवा दी है इतनी, तो ये मेरा लास्ट घर है। एंड बस अभी हो गया सपनों का महल। ये हमने सोलर लगा दिया है, 25 साल तक हमारा लाइट बिल नहीं आने वाला। और चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से अलविदा ले रही हूँ। एंड ये घर नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। एंड ये मेरे क्या बोले कि इधर पूरा जन्म निकलने वाला है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना। थैंक यू सो मच।